हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा अलग अलग तरीके से फहराया जाता है? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के तरीकों में क्या अंतर है। 15 अगस्त को हमारे भारत को गुलामी से आज़ादी मिली थी, यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का झंडा नीचे किया गया था और इंडिया के झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराया गया था। तो 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाकर फहराया जाता है, जिसे ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के दिन भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ था, इसलिए फ्लैग होस्टिंग प्रधानमंत्री जी करते हैं। फ्लैग होस्टिंग प्रधानमंत्री जी लाल किले से करते हैं और शाम को राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 26 जनवरी की। 26 जनवरी को देश का संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। इसे फ्लैग अनफर्लिंग या झंडा फहराना कहते हैं। संविधान लागू हो जाने के कारण 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी द्वारा राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। तो 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाकर फहराया जाता है। तो यह थी हमारे झंडा फहराने के बारे में छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।